सुराणा ग्राम में इंद्र मेघवाल की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा पहुंचे सुराणा। निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन, सतीश कोम के लोगों ने भी सौंपा ज्ञापन। सुराणा ग्राम में निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत को लेकर पूरे राज्य में भूसहल सा आ गया है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर छात्र इंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिता सहित परिजनों से जल्द मामले की जाँच करवाकर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही 12 दिन बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी परिवार को मिलवाने की बात कही। वहीं बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, साथ ही अगर परिवार को इस जांच से संतुष्टि नहीं मिलेगी तो मनसा अधिकारी से भी जांच करवाएंगे। वहीं पार्टी हमेशा परिवार के साथ खड़ी रहेगी। इधर मामले को लेकर प्रदेशाध्यक्ष के साथ कई मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने भी शोक जताया। इस दौरान उनके साथ मंत्री ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, पुखराज पारासर, पवन गोदारा, जसलमर विधायक रूपाराम धंदे, जिला कलेक्टर निशांत जैन, SP हर्षवर्धन अग्रवाला, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, पूर्व उप सचेतक रतन देवासी, पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह, मंजू मेघवाल, उपखंड अधिकारी सूरज भवान विश्नोई, भिन्नमाल SDM जवाहरलाल मौजूद रहे। सतीश कोम के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। सुराणा ग्राम में निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत को लेकर मंगलवार को सतीश कोम के लोगों ने सुराणा के खेल मैदान में जमा हो गए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सुराणा दौरा होने पर सभी समाज के लोगों ने डोटासरा को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। वह ज्ञापन में बताया कि विद्यालय में मटकी से पानी पीने की बात है जो सरासर गलत है। हर जगह पुलिस जाब्ता रहा तैनात। सुराणा में हुई छात्र इंद्र कुमार के मौत के मामले को लेकर जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वह पूरा गांव सामने में नजर आया। हर जगह पर पुलिस के कांस्टेबल सहित अधिकारी नजर आए।